topic is Independence Day. India became a free country on August 15, 1947. So August 15 is called the Independence Day of India. The British rule come to end this day. It is red letter day in the history of the country. It is celebrated all over the country with great enthusiasm on this day. All schools, colleges and remain closed. दोनों मिलकर काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, हमारे देश में हम ज्यादा लड़के आगे बढ़ते हैं, लड़कियां थोड़ा पीछे रह जाती हैं। अगर आप देखो टैलेंट, पढ़ाई, जहन के हिसाब से लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। अगर आज के ज़माने से आप देखोगे लड़कियां लड़कों से काफ़ी अच्छा कर रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें लड़कियां लड़कों को आउट परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हाई स्टेटस पोजिशंस अगर हम देखें, जैसे साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब हो गई, आई एस ऑफिसर्स हो गए, वहाँ पर आप देखोगे लड़कियों की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, लड़कों की ज़्यादा होती है। भला ऐसे क्यों? ये चीज़ के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी समस्या है जो रूट डीप अंदर तक ये जुड़ी हुई है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। हमारे देश में क्या होता है, पहले से ये रीति रिवाज चलता आ रहा है कि यार बच्ची हुई तो बच्ची को क्या करना है। बच्ची का मेन काम है कि यार लड़की को शादी के लिए तैयारी करो, शादी के बाद घर को संभालना, घर के कामकाज सीखना और उन्हीं चीज़ों में जो है सक्षम यानी कि एक्सपर्ट बनना लड़की का काम है। ये जो है हमारे पूर्वजों की सोच रहती है। उसके बाद शादी की उम्र आई, बच्ची की शादी करा दी। अब वो देखते हैं जब शादी कर, आप अभी प्रोग्राम में सम्मिलित कर रहे थे तो आदमी की जानब से आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रोग्राम के तहत आपको जानकारी फ्राहम की, अवेयरनेस दी। उसके अलावा बच्चों ने भी स्पीच भी की और उपल वतनी की नाजम पेश की और डिक्टेशन टेस्ट लिया गया 5वीं तक, और जिन बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ली उस हिसाब से 5 बच्चे जो स्पीच में और नज़म में थे शामिल, और उसके अलावा जो डिक्टेशन में 5वीं तक जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की उनको आर्मी की जानब से प्राइज़ दिए गए, बैग दिए गए, और जो बाकी बच्चे थे उनको भी पेंसिलें वगैरह तकसीम की। लिहाजा अगर इस तरह से आइंदा भी स्कूल में बच्चों की हौसला अफजाई होती रहेगी तो बच्चों की और लगन पढ़ाई में बढ़ेगी और एक कंपटीशन का जो माइंड है वो तैयार होगा उनका। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट प्रोग्राम मनाया गया तो हमारे बच्चे इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दें। जब लड़की पेट में होती थी तभी जो है अबॉर्शन करवा देते थे, जो कि किसी भी धर्म किसी भी रिलीजन के हिसाब से गुनाह है, पाप है, और लॉ के हिसाब से भी ये गैरकानूनी है। चलो गैरकानूनी हमने कर दिया, बुरा है, गलत चीज़ है, ये भी हमने बता दी, तो वो काम उन्होंने नहीं किया। फिर वो क्या करते हैं, अपने लड़कियों को वो स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उनको बोलेंगे तुम बस घर में रहो, घर का काम करो, खाना वाना बनाओ, बर्तन धो, जो छोटे भाई बहन हैं उनका तुम देखभाल करो बस। 18 साल की उम्र के बाद बच्चों की शादी हो सकती है, 18 से पहले नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, चोरी छुपे बच्चों की 18 साल से पहले शादी कर देंगे। अब बच्ची ने पढ़ा लिखा है नहीं, बच्ची को उतनी जानकारी है नहीं, शादी होके वो अपने ससुराल चले गई। अब ससुराल में चलो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, समझ लो बुरे लोग मिल गए, बच्ची के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ। अब बच्ची पढ़ी लिखी है नहीं, उसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, मेरे भी कुछ हक है, कोई मेरे साथ ऐसा जुल्म अत्याचार नहीं कर सकता ना, इस चीज़ के ऊपर अगर मेरे साथ कोई ऐसा कुछ बर्ताव करे तो मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ, इसके बारे में जानकारी नहीं होगी क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं।